नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। बात करेंगे फ्रेंड्स अनुसेवक और आदेशपाल के लिए। आप लोगों ने जो आवेदन किया था 5 अगस्त तक, जिसकी तिथि निर्धारित की गई थी और जिसका इंतज़ार था आप लोगों को कि इसका इंटरव्यू डेट कब होगा। जो लोग पहली बार इस बारे में जान रहे हैं कि कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो उनको ये बता देना सही रहेगा कि इसमें बस इंटरव्यू बेस पे आपकी जॉब लगती है। अगर आप मैट्रिकुलेशन पास हैं, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उन लोगों को तो पता होगा, नोटिफिकेशन पढ़े होंगे वो लोग। चलिए बात करते हैं कि जो नोटिफिकेशन आई है वो कहाँ पे आई है। तो जैसे कि आप लोग को पहले भी पता होगा कि पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे आप लोग को जाना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये पटना हाई कोर्ट का वेबसाइट है, patnahighcourt.gov.in। अब आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड का जो कॉलम होता है फ्रेंड्स, आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ कहाँ पे जाना होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप अभी देख रहे हैं, ये इस साइड का जो पोर्शन है आपको इधर आना है लेफ्ट साइड में। और ऊपर जब इसको आएंगे, आप स्क्रॉल करेंगे ऊपर को जाएंगे, तो आपको यहाँ पे एक दिखेगा ये BSLSG, बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपको साइट ओपन हो जाएगा, बिहार राज्य विधेयक सेवा प्राधिकार। अब इसमें नोटिस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड्स, ये नोटिस इसमें आपको सबसे ऊपर यहाँ पे दिख जाएगा, नोटिस टू डिफर द इंटरव्यू फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्यून एंड ऑर्डरली कॉन्टैक्ट बेसिस। अब इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या नोटिस आया है। नोटिस करेंगे तो ये PDF आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या नोटिस आया है। तो ये लेटेस्ट नोटिस है फ्रेंड, 18 तारीख का। पहले आपको डेट ही दिखा देते हैं, नहीं तो लोग कहने लग जाते हैं कि पुराना नोटिस है। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर डेट दिख रहा होगा कि 18 तारीख का ये नोटिस है, जारी किया गया है रात को शाम के समय। और ये वीडियो आपको आज मैं बना के दे रहा हूँ, थोड़ा सा लेट है इसके लिए सॉरी। चलिए आप दिखाते हैं क्या नोटिस में है, अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आप लोगों को किसी और से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। मेरा पूरा कोशिश होता है फ्रेंड्स कि जो मेरे व्यूअर हैं इस चैनल पे, जो देख रहे हैं मुझे, मेरे कंटेंट देखते हैं, उनको और किसी से कोई समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से ये जो आया है लेटर, इसमें क्या बताया जा रहा है इंटरव्यू को लेकर के, तो पूरे अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, पूरा एक बार पढ़ लूँगा, उसके बाद आपको हिंदी में लाइन बाय लाइन समझा दूँगा या फिर लाइन बाय लाइन समझाते ही चलता हूँ। दिस इज़ टू ब्रिंग टू नोटिस ऑफ ऑल एस्पिरेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्यून इन परसुएंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2020 एंड ऑर्डरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन परसुएंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2020 ऑफ बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि जो आप लोगों ने आवेदन किया था प्यून के लिए, यानी कि अनुसेवक के लिए, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर उसका जो विज्ञापन संख्या था 3/2020 और 7 पे ही आपने आवेदन किया था आदेशपाल के लिए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था, उसका जो आवेदन का जो पत्र संख्या था वो था 4/2020। तो इन दोनों पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया था, उसके बारे में नोटिस जारी की गई, ये कहा जा रहा है। आप देखिए आगे क्या कहते हैं इसमें। तो कहाँ तक हम लोग पढ़े थे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बता देते हैं इन परसेंट ऑफ इतना, दैट इन व्यू ऑफ एक्सपेक्टेशनल सर्कमस्टेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ पेंडेमिक COVID-19 एंड सक्सेसिव लॉकडाउन्स इन लास्ट 7 मंथ्स। यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशनल सर्कमस्टेंसेस अराइज, कुछ ऐसी अवस्थाएं, आप लोगों को पता है कि COVID-19 कोरोना वायरस के कारण से स्थिति उत्पन्न हुई है, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई है जिस कारण से लगातार लॉकडाउन्स को 7 महीनों से बढ़ाया ही जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है द सिलेक्शन प्रोसेस फ्रॉम द स्टेज ऑफ इंटरव्यू इज डिफर्ड एंड इन व्यू ऑफ द अफोरमेंशनड एक्सपेक्टेशनल सर्कमस्टेंसेस एंड टू लेसन द बर्डन ऑफ स्टेट एक्सचेकर टू बी रिज्यूम्ड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो इसका मतलब आपको बता देते हैं फ्रेंड, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लगातार जो 7 महीने से जो लॉकडाउन की जो अवधि है उसको बढ़ाया जा रहा है, जिस कारण से आपको डेफर्ड यानी कि स्थगित कर दिया गया है, जो इंटरव्यू का जो आपका जो प्रोसेस था जो होने वाला था उसको भी स्थगित कर दिया गया है। एंड इन द व्यू ऑफ अफोरमेंशनड एक्सपेक्टेशनल, यहाँ पे अफोरमेंशन का मतलब है कि आपको जैसे कि पहले बता दिया कि COVID-19 के कारण से जो लगातार लॉकडाउन बढ़ रहा है, इसको फिर से यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसी कारण से, और एंड लिसन टू द बर्डन ऑफ स्टेट एक्सचेकर, यानी कि जो सरकार का जो मद है, जो खर्च है, खर्च करने की जो राशि होती है उस पर ज़्यादा असर ना पड़े इस चीज़ को देखते हुए,
टू बी रिज्यूम्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगले साल इसको बढ़ा के कर दिया गया है कि अब नेक्स्ट ईयर ही आपका जो इसका इंटरव्यू प्रोसेस है वो लिया जाएगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो आपका वित्तीय वर्ष होता है, जैसे कि अगर अभी 19-20 होगा तो 20-21 में लिया जाएगा आपका। तो यही नोटिस निकल के आई है सामने, देखिए अब नेक्स्ट जो नोटिस से आपको पता चलता है कि कब इसका आने वाला है। तो फिलहाल अभी आप लोग इस वैकेंसी को लेकर के जो तैयारी करनी थी या जो उम्मीद थी आप लोगों की, वो अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन निकलेगी ज़रूर। जैसा कि ये काफ़ी अपडेटेबल साइट रहता है, इसका लगातार जो भी है इस पर जल्दी जल्दी अपडेट आता रहता है, तो इसमें नेक्स्ट अपडेट जो भी आएगा आपको बताएंगे। और फिलहाल मैंने जो बताया था फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपका साथ ही साथ तैयारी भी होता रहे। और दूसरी जो भी वैकेंसी आती है आपको इस चैनल पर तो बताया ही जाता है, तो ज़रूर बने रहिएगा अपने चैनल पर। जो पहली बार आए हैं इस चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि वो लोग भी दूसरे जगह से अगर कोई कंटेंट कुछ बताता है, उलूल जुलूल की चीज़ें बताता है, उससे बचे। जो हकीकत है उस आपको इस चैनल पे वही हमेशा चीज़ बताया जाएगा। तो इंतज़ार करिए फ्रेंड्स मेरे नेक्स्ट वीडियो का, तब तक